आपके हवाले से ही, वो वाजपेयी साहब की थी। वाजपेयी साहब को एक वोट से, एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे। और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि जो अमरीका की फतह हुई है और हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, और गालिबन अब अमरीकी सफीर को पाकिस्तान में वाइस रॉय का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान बामुकाबला अमरीका का मैच हम पाकिस्तान के ही सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं। अगर किसी को लग रहा है ना कि इमरान खान हारा है, किसी को लग रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, तो ये उस इन दो हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान अरेस्ट होगा और जेल में रहेगा, ये मुल्क सुधरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये आपने क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्पीच दी थी 1999 में, एक वोट से उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी, उस क्लिप को पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये होता है लीडर, इस तरीके से इज्जत के साथ अपने संविधान की रिस्पेक्ट करते हुए आप त्याग पत्र में साइन करते हैं और इस तरीके से इस्तीफा देते हैं। तो पहले ये दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में बताएंगे कि इमरान खान को क्यों बोला है कि ये रौफ क्लासरा ने, कि बहुत अच्छा हुआ कि इमरान खान अगर अभी गवर्नमेंट से जा रहे हैं तो उनके लिए आने वाले इलेक्शन में कैसे फायदा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में। आप नहीं इज्जत करते किन लोगों साहब की, मैं उनका नाम लिया ना सर, जुनैद साहब का नाम लिया मैंने। आप नवाज शरीफ की इज्जत नहीं करते सर, राजा प्रवेश अशरफ की नहीं करते, आप आके यूसुफ गिलानी की नहीं करते, आप शौकत अजीज की नहीं करते, आप शायद खगन अब्बासी की नहीं करते, आप करते हैं नहीं। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हिस्ट्री में आज से 20-25 साल बाद कोई बंदा आपके मेरे बारे में कहीं पढ़ के ये अगर कह रहा हो ना कि आमिर साहब और रऊफ साहब जो है ना, ये थोड़े से अनरेबल लोग थे यार, ठीक है हार गए होंगे, उनको ज़्यादा कोई अच्छी वो नहीं मिली होगी, चीज़ें नहीं मिली होंगी, लाइफ में होंगे, लेकिन अनरेबल पीपल सर, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे मरने के बाद डाउन द पीरियड आफ्टर 50, 60 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर कोई बंदे ये कह रहे हो यार ये अच्छे लोग थे, काफ़ी है सर। आज आप और मैं सक्सेसफुल ले भी रहे हैं, कंप्रोमाइजेस करके मट्टी खा के जलील होके, बहुत अच्छी बात सिंपल एहतराम कर रहा हूँ आपके इस आपकी इस आपका हमेशा से ये आइडियलिज्म आप में रहा और बड़ी अच्छी बात है। बुनियादी बात यह है कि अच्छे आदमी पॉलिटिशियन का बुनियादी काम ये होता है कि वो तब्दीली में वो मुस्बत अपनी जो उसकी सोच है उसके ज़रिए तब्दीली भी लाए। अगर वो मुस्बत आदमी जो है घर जाके उसको बिठा दिया जाए और उसकी मुस्बतनेस का कोई आवाम माशरे को फायदा ना, और आप जैसे चंद लोग कहें कि किताबों में जिक्र किया गया है कि वो बड़े अच्छे थे, तो वो नहीं नहीं वो तो है, सिर्फ किताबों में की बजाय अगर उनके उन मुस्बत सोच का फ़ायदा। एक मिसाल मैं लास्टली देना चाहूँगा आपको आपके हवाले से ही, वो वाजपेयी साहब की थी, वाजपेयी साहब को एक वोट से, एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे। और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो, पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता जवाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ये रिमेंड एन एक्टिव पर्सन। बड़ी अच्छी बात की आप और मैं सबसे ज़्यादा बात करते रहे, इनको 20-22 साल पार्लियामेंट में हो गए ना, इस दरमियान में आए 2008 को छोड़ के, ये किसी कमेटी के मेंबर नहीं बने, एरोगेंस तकबर के मैंने नहीं सीखा, नवाज शरीफ साहब भी नहीं रहे, उनका गवर्नेंस भी देखे, इमरान खान साहब भी देखे, ये किसी फॉरेन कमेटी में नहीं बैठे, किसी फाइनेंस में नहीं बैठे, कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं बैठे, ये क्वेश्चन आवर में नहीं बैठे, ये पार्लियामेंट नहीं जाते थे, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई एज ए पॉलिटिशियन के तौर पर, और अब जाकर उन्होंने हुकूमत में देखी, आपके पास तो बेस्ट टाइम है, बेस्ट चीज़ें हैं, पोजिशन में है, इनको टफ टाइम दे, छोटी सी मार्जिन है ना, आपके पास 164 हैं कितने हैं, उनके पास मतलब 5-6 लोग ज्यादा हैं, आप टफ टाइम दें, आप हमें एजुकेट करें, आपकी चीजें हैं, आप अगर मैदान खाली छोड़ के जाते हैं, आप इस्तीफे दे के जाते हैं, क्यास करते हैं, आपको बाज़ दफ़ा इमरान खान साहब जैसे बंदे को जो ये समझते हैं कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करने आया हूँ, ये 3 साल पहले ही तो वज़ीर आज़म नहीं थे ना, 2 महीने में लाइन्स टूट जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये अपोजिशन करें इमरान खान जायज़ तरीके से, जिस किस्म की ये बनी हुई है, ये मेरा ये ख्याल है कि इनकी ये बड़े मेरा ख्याल इंतजार किस्म की लाइन्स है। मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करूँ तो जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है इमरान खान के लिए, क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई और जिस तरह के महाज खुले हुए हैं पाकिस्तान के आम शहरी, तो ये तो बहुत मुश्किल था इनके लिए यहाँ से इज्जत से निकलना 5 साल की टर्म कम्प्लीट करके, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दैट वे। बिल्कुल, मेरा ये कहेगा अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे, माय व्यू।
हमने जितनी इनकी चीज़ें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बा का टीम, ये जो कहते थे अमर भाई ठीक कहते, पहली दफ़ा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है, आपने लड़के उठाए हैं, उठा के उनको टॉप पोजीशन फेडरल मिनिस्टर बना दिए, वो किसी से संभाले नहीं गए, किसी सीधे मुंह से उन्होंने बात ही नहीं की, ना इकॉनमी का पता था उनको, ना चीज़ों का पता था, ना समझ थी। सो ये जो ट्रेनिंग एट जॉब हुई है इमरान खान साहब की, वो ले बैठे, इनसे तो इकॉनमी हाथ से निकल गई थी, ये तो खुद मानते थे। बिजली गैस की कीमतें देखे, IMF को अभी जो इन्होंने सरेंडर किया था, जो स्टेट बैंक वाला बिल पास किया था, जिस तरह की इन्होंने आके खुद मुख्तारी इन्होंने सेल आउट की थी, इमरान खान साहब के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। वो ठीक कह रही हैं, इनको दोबारा एक वो इंजेक्शन लग गया है कि अगर जो बिल्कुल आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, इनके ना इनके इर्द गिर्द जो है ये तमाम हाकिश लोग हैं, वो इनको नीचे नहीं आने देंगे, बांस पे बिठाई रखेंगे कि आपने बैठे रहने नीचे, बल्कि हो सकते हैं मजीद ऊपर करते जाएं इनको। सो इमरान खान साहब को ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने की जरूरत है, दोबारा ठंडे हों, ये बैठे हैं कोई पुराने दोस्तों के साथ, पुराने यारों के साथ, कोई पॉलिटिशियन के साथ, जो आमिर भाई कहते किसी मिस्त्री के साथ, कोई मैकेनिक के साथ, जो सियासत को देखता हो, आप उनके साथ बैठ के ठंडे मिजाज से इसी पार्लियामेंट में बैठे हैं। आपने इस्तीफे देने हैं, फिर सड़कों पर जाना है, फिर क्यास करना है, इस मुल्क का पहले बेड़ा गर्क हुआ है। अपोजिशन करें, टाइट होकर करें, इन पे केसेस हैं, इनको सेटल ना करने दें केसेस। नवाज शरीफ साहब पे केसेस हैं, हमजा पे केसेस हैं, ये शहबाज शरीफ पे केसेस हैं, और हमारी किस्मत देखें, जो हमारा रोना कि इमरान खान साहब नाकामी का क्या निकला है, उस नाकामी में से वो लोग इस मुल्क के आके वजीर आजम और वजीर आला बन रहे जो नैब के मुलजिम है और जमानतों पे है, इससे कोई बड़ी डिजास्टर होगी किसी मुल्क के लिए, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। खान साहब था ना कि आपने इस मुल्क को चीजों को इतना आगे लेकर जाते, इतने अच्छे तरीके से आप चीजें चलाते, इमरान इन्होंने एक दर्जन से ज्यादा स्कैंडल दिए हुए, मतलब एनर्जी का आप इनसे पूछ, आमिर भाई ने आप इसके मौजूद थे, इन्होंने दर्जन स्कैंडल दिए चीजें उनके कान पे, बल्कि हमें उल्टा पता क्या कहते हैं, कहते हैं यार ये मालिक रऊफ और आमिर का ना तो बात ही ना सुने, इन तीनों का ये मीटिंग में ये फैसला हो रहा है, ये तीनों अगर ये शो करना बंद कर दें एनर्जी, महबूब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये इनके महबूब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है मुंह पे, उन्होंने कहा तीन लोगों के मालिक के रऊफ के हम सामने बैठे हुए हैं और भी साथी थे, इनके शोज अगर बंद कर देना इकॉनमी पे ये बात ही ना करें, ये आके एनर्जी पे स्कैंडल ना दे, उन्हीं दिनों आके हम दे रहे थे, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। 2019 की बात है, मेरा ख्याल मैं गलत नहीं कह रहा, 3 साल गुजरने वाले हैं, खान साहब घर चले गए हैं, और उसके बाद जो उन्होंने क्या कर वो हम छोड़ देते हैं, क्यों काशफ अब्बासी ने कहा था, उसने कहा आमिर और रऊफ का शो तो आपने बंद करवा दिया है, इधर मालिक का भी करवा दें, तो इसके बाद तो पूरा इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो गए। देखा कि जो इस पे बात हो रही थी कि शायद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया हुआ था, तो तासुर ये बन रहा था कि शायद इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये तो मामला बिल्कुल ही एक अलग तरह से सामने आया है, और 5-0 से ये सारा जो मामला है उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, तो आप क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर? देखिए ये सब चीज अग्रीमेंट हो गया था, और जिनसे अग्रीमेंट हुआ था वो बाहर मुल्क में भी हैं, और अमेरिकनों को भी पता था, ये 6 स्टेज में, ये 6 स्टेजेस हैं इस ग्रेट, मैं इसका नाम रखा हूँ द ग्रेट फिक्स, इसके 6 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज तो है वो है कोर्ट का वर्डिक्ट, वो तो आ गया। सेकंड स्टेज है इलेक्शन शहबाज शरीफ का, हालांकि इस किस्म के चार्जेस जो उसके खिलाफ लगे हुए हैं, उस आदमी को नोइंग ऑल दैट प्राइम मिनिस्टर बनाना, मेरे ख्याल में वो खुद कहना चाहिए कि नहीं मैं नहीं बनूंगा जब तक मैं क्लियर नहीं हुआ, मगर इस किस्म की ग्रेस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द शरीफ। सो द सेकंड स्टेज विल बी इलेक्शन। थर्ड स्टेज जो होगा वो है रिटर्न ऑफ भगोड़ा। अब भगोड़ा अभी वापस आएगा, वो जाएगा, बेल लेगा, कोर्ट के सामने जाएगा, उसकी कन्विक्शन जो है वो ओवरटर्न होगी, तो वो फिर भगोड़ा स्टेटस उसका ख़त्म हो जाएगा, कन्विक स्टेटस उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेज आएगा जो रिग्ड सिलेक्शन होंगे, रिग्ड सिलेक्शन होंगे, और उसके बाद 5th स्टेज आएगा जिसमें नवाज शरीफ वापस प्राइम मिनिस्टर बनता है, और आखिरी स्टेज जो है मैंने लिखा है लूट मार शुरू होगा। तो ये है 6 स्टेजेस, सबको पता है। स्टेजेस तो आपने अच्छी बता दी, लेकिन इस सब में इमरान खान साहब बिल्कुल माइनस हैं, उनके उनका कोई किरदार नहीं है, वो चुप करके अब क्या करेंगे, वो किसी तरह किसी चीज पे असर नहीं डाल सकेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, विद इन 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान के पीछे रेफरेंसेस होंगे, और उन रेफरेंसेस में वो अरेस्ट होगा और जेल में रहेगा, और फिर बहुत सारे लोग पिक्चर लेंगे उसके।
ये तो अभी तो ये मजा अभी शुरू हुआ है, ये मुल्क सुधरने वाला नहीं है, मैं आपको ये बता दूं सुधरने। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 1999 में उनकी गवर्नमेंट एक वोट मतलब एक वोट की कमी से गिर गई थी, और उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया था, जो भाषण बोला जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बोला गया था कि ऐसा समय आएगा कि जब कांग्रेस की ये हालत होगी, और आज आप देख सकते हो कि कांग्रेस की हालत तो वाकई में ख़राब है। लेकिन इस एग्जाम्पल को उन्होंने दिया इमरान खान से कंपेयर करते हुए कि आपके पास नंबर नहीं थे, आप आते पार्लियामेंट में स्पीच देते, स्पीच देने के बाद आप छोड़ देते, आपके पास नंबर नहीं है, आपने ये क्या मतलब किया कि आप पार्लियामेंट ही भंग कर रहे हो, और ये बोल रहे हो कि अमेरिका की वजह से अपोजिशन पार्टी मतलब पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को गिराना चाह रही है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टोपे जर्नलिस्ट हैं, मतलब बहुत सारे टोपे जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी हाल ही में जैसे भट्टी, इरशाद भट्टी, इमरान रियाज खान और बहुत सारों के तो मैं नाम भी मतलब अभी याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन चेहरे से जानता हूँ, आपको वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, वो लोग को चैनल से सीधा निकाला जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है जो वो पूरी तरह से इमरान खान के अगेंस्ट आ गई, और अपकमिंग इलेक्शन में भी मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को वो कहीं से भी सपोर्ट करेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का आपने अगर मेरा 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले का वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली कश्मीर हार चुका है, अब अगर हमें बात करनी है भारत से तो डिप्लोमेटिक हमें रिश्ते अच्छे करके हमें इस मामले को सुलझाना होगा। यानी पाकिस्तान आर्मी का ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, इमरान खान के रहते हुए होने वाला है नहीं, क्योंकि इमरान खान ने हद से ज़्यादा मुंह चला दिया है, और हद से ज़्यादा मुंह चलाने के कारण हुआ क्या है कि इमरान खान के जो पुराने मतलब बयान और जो ट्वीट हैं, उस किस मुँह से लेकर वो भारत के साथ रिश्ते अच्छा करेगा, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के रहते ये होने वाला है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये फैसला किया है कि भाई इमरान को हटाओ, नई गवर्नमेंट लाओ, कुछ नया होगा तो इंडियन जो अभी करेंट गवर्नमेंट है वो बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो। आपको क्या लगता है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने सुझाव दें।